हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम अभी भी जो मेरे गार्डन पर खिले हुए हैं, आज मैं आपको उसे शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो कलर के क्रिसेंथेमम यहाँ पर एक साथ मैंने लगा दिया है और देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। यहाँ पर कुछ क्रिसेंथेमम आप देख रहे होंगे स्पैंट हो गया है। मुझे इसे पिंच कर देना चाहिए पर मैंने अभी तक किया नहीं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हमारे एरिया हिली रीजन है, कोल्ड क्लाइमेट है, इसीलिए हमारे एरिया में विंटर फ्लावरिंग प्लांट अप्रैल मई तक खिले रहते हैं। हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट काफ़ी दिनों तक इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे ग्राउंड पर ही लगा रखा है। मुझे इसे लगाया हुआ 4 से लेकर 5 साल हो गया है। मैं इसे कभी फर्टिलाइज नहीं करती, सिर्फ वाटरिंग करती हूँ। ये और एक गुलदाउदी आ गया, ये मैंने इसे भी ग्राउंड पर ही लगा रखा है। ये देखिए, पॉट पे लगाने पर हम वाटरिंग करने के लिए ऊपर 2 इंच का गैप छोड़ देते हैं और ग्राउंड पे लगाने पर ये देखिए मैंने ये रिंग टाइप का बना रखा है इसके आसपास, ताकि पानी बहकर जब मैं वाटरिंग करूँ तो इसका पानी जो है बहकर इधर उधर ना चली जाए, अच्छे से इस पर वाटरिंग हो। और एक ये व्हाइट कलर के गुलदाउदी देखिए, ये भी कितने खूबसूरत से ब्लूम कर रहा है। गुलदाउदी यानी क्रिसेंथेमम में स्पाइडर माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखा गया है। स्पाइडर माइट्स जो काले रंग का चिपचिपा कीड़ा पत्तों के पीछे होता है, ये पत्तों से और प्लांट से इसके न्यूट्रिशन पूरा चूस लेता है। इससे बचने के लिए मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। तकरीबन 15 से लेकर 20 दिन के गैप में मैं नीम ऑयल का इस तरह से स्प्रे करती हूँ। और कुछ गुलदाउदी यानी क्रिसेंथेमम को मैंने पॉट पर भी लगा रखा है। देखिए, ये भी ब्लूम कर रहा है। गुलदाउदी यानी क्रिसेंथेमम विंटर में फ्लावरिंग करने वाला एक पेरिनियल प्लांट है। पॉट पे लगाने पर इसे समर में बचाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, पर ग्राउंड पे लगाओ तो इसे कोई एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। बस इसे कोई ऐसे जगह पे ना लगाए जहाँ पे पानी जमता हो। आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।